खबर बैतूल जिले के चिचोली से है। ग्राम पंचायत द्वारा बन रहे चौपाल बनाने हेतु बैतूल जिले के चिचोली तहसील कार्यालय में नसीराबाद के लोहार ढाना के दो दर्जन ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार की अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षण जीआर पोटफोड़े को ज्ञापन सौंपा। ग्राम के राजकुमार उइके संतोष आर्य राजा, ग्राम कोटवार प्रेमलाल संपत विश्वकर्मा मुन्ना गुड्डू पंच ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा लोहार ढाना के लिए चौपाल स्वीकृत है, जिसकी राशि भूमि के अभाव में वापस होने वाली है और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव सहित सभी लोग भूमि नहीं होने की बात कर रहे हैं, परंतु लोहार ढाना के शासकीय कुआं के पास भूमि है जिस पर किसी खेत वाले का कब्जा है। अगर उनका सीमांकन करें तथा अतिक्रमण हटाने तो पर्याप्त भूमि मिल जाएगी। हम सब तहसीलदार से निवेदन करते हैं कि इसका सीमांकन शीघ्र करें ताकि चौपाल बन सके और चौपाल की राशि वापस नहीं हो सके। उस सरपंच संजय कुमरे ने कहा कि सही है, राशि वापस होने वाली है, हम भूमि तलाश कर रहे हैं, शीघ्र काम चालू करेंगे। चिचोली बैतूल से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। ये जो तहसील में आवेदन दिया है, इसमें आप और कुछ क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि तहसील कार्यालय में जो हमने आज आवेदन दिया है, इसमें शासकीय भूमि पर एक चौपाल का निर्माण होने जाना चाहिए था, जिसपे स्वीकृति मतलब पंचायत द्वारा स्वीकृत राशि प्रदान की गई है और 5 से 6 दिन का इनके मोहलत दी गई है कि ताकि नई बनी चौपाल या निर्माण कार्य नहीं होता है तो यह स्वीकृति राशि वापस हो जानी है। अच्छा, राशि वापस हो जा रहा है, इसलिए जल्दी आवेदन देना है ना? तो इसीलिए हमने यह सोचा कि आज आवेदन लगा करके जो शासकीय भूमि का ये मतलब खाली करा जाए इसको, है ना, खाली करा जाए और इसमें चौपाल का निर्माण किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार उइके है। तो राजकुमार उइके जी, क्या समस्या आ गई है, आप तहसील कार्यालय में क्यों आए हैं आज? तहसील कार्यालय में इसलिए आए क्योंकि हमारे गांव में जो शासकीय भूमि है वहां पे चौपाल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है 2 लाख रुपये, हाँ। और अभी तक निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ और कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया है, दबंग लोगों ने, इस वजह से हमें दिक्कत आ रही, तो हमने आज तहसीलदार को ज्ञापन दिया। तो कितने वर्ष हो गए हैं ये राशि आई है? तो समथिंग 9 से 10 महीने हो चुके हैं राशि स्वीकृत होने को। अच्छा, राशि आ गई है लेकिन इस कारण से नहीं बना पाया, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और हमें शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि हमें उस जगह को खाली करवाए, शासकीय भूमि को, और ग्राम पंचायत सरपंच को सौंपा जाए और उस पर कार्य प्रारंभ करने के अनुमति।